लॉकडाउन में जहां लोग अपने अपने घरों में लॉक हैं, तो वहीं चोरों ने इस दौरान एक ऐसी दुस्साहस भरी घटना को अंजाम दिया है, जहां पर एक गाय को चोरी कर गाय का मांस बेचने के लिए काट दिया गया। पुलिस ने गाय चोरी की घटना में कार्यवाही करते हुए एक ऐसी कामयाबी हासिल की जिसमें चोरी की गई गाय का 2 क्विंटल गोमांस बरामद किया। आरोपी मौका देख फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक गोवंशीय पशु को चुरा कर उसका गाय का वध कर दिया गया, जहां पुलिस ने चोरी की गई गाय का 2 क्विंटल गोमांस पकड़ लिया है। गेंदराम ने पशु को घर के आंगन में बांधकर सोने चला गया, तभी कुछ और पालतू जानवरों के बोलने पर पता लगा कि उनकी गाय चोरी हो गई है। गेंदराम ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं काफी खोजबीन के बाद परिजनों द्वारा देर रात कसाई द्वारा गोवंश पशुओं का वध करते पकड़ लिया गया। शोर मचाने पर ये लोग वहां से भाग गए। जांच के उपरांत पुलिस ने मुड़िया कला निवासी नईम व अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल रात की घटना है। एक महिला हमारी चौकी पर आई थी और उसने सूचना दी कि उसकी गाय चोरी हो गई है। तो इस सूचना पे चौकी इंचार्ज और उनके साथ और जो दरोगा हैं वो लोग उसको ढूंढने में लग गए थे। उसके बाद ये महिला बहादुरगंज की रहने वाली है। सुबह लगभग 7:30 बजे गौ का मांस हमें मिला है, जो कि लगभग जिसका वजन 2 क्विंटल तक होगा। तो इस पूरे उसमें जो प्रकरण था, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें चोरी की धाराएं लगी हुई हैं और उत्तराखंड गवर्नमेंट संरक्षण अधिनियम की धाराएं लगी हैं। इसमें एक जना नामजद है और उसको अभी उसको फरार चल रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश की।